बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, आज हम आगाज करेंगे कल जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से। तो आज जो हमारा सेक्शन है, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, के फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर क्या क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स पाए जाते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड से मुराद ये होती है कि पीरियड के अलॉन्ग और ग्रुप के अलॉन्ग वो किस तरह से उनके अंदर वेरिएशन आती है, तब्दीली आती है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने पीरियोडिक टेबल देखा, आप अपनी बुक खोल लें, पेज 3 पर आपके पास पीरियोडिक टेबल मौजूद है। तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर बाय द एटॉमिक नंबर दे हैव बीन प्लेस्ड, और उनकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर हैं तो वो एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं। अब ग्रेजुअल इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, होता क्या है कि जब आप लेफ्ट टू राइट उसमें मूव कर रहे होते हैं, जैसे आप सेकेंड पीरियड ले लें, लिथियम से आगाज होता है उसका, फिर आगे बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। टाइप टेबल आपके सामने होना चाहिए पेज 3 पर। तो वो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ग्रेजुअली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इन द न्यूक्लियस वो भी बढ़ रहे हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स या आउटर शेल में वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ग्रेजुअली इनके नंबर में तब्दीली आती है, बिल्कुल वैसे ही ग्रेजुअली इनकी प्रॉपर्टीज में भी एलिमेंट्स की वो चेंज आता चला जाता है। हम देखेंगे कि ये जो ग्रेजुअल चेंज है उसमें एटॉमिक साइजेस में पहले किस तरह से तब्दीली आती है। एटॉमिक साइजेस में हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस की यहाँ पर जो डेफिनेशन मैंने सिलेक्ट की है, ये वो डेफिनेशन है जो कि फर्स्ट ईयर के 5th चैप्टर में दी गई है, एंड दैट इज मोर एक्यूरेट डेफिनेशन देन द डेफिनेशन गिवन इन दिस सेक्शन ऑफ द सेकंड ईयर बुक। बुक के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो बुनियादी तौर पर कोवलेंट रेडियस की है, ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो याद रखिए, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस ऑफ एटम से एवरेज डिस्टेंस। व्हाई दिस इज कॉल्ड एवरेज डिस्टेंस? आंसर इज वेरी सिंपल कि वो जो डिस्टेंस होता है वो उसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द फॉर्म ऑफ वेव वो होता है, तो उन वेव्स का कभी एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो हम फिर इस वजह से हम इसे कहते हैं कि दिस इज एवरेज डिस्टेंस। अब पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस में क्या क्या वेरिएशन आते हैं, कहते हैं एडिशन ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते चले जाते हैं, हम पहला ग्रुप ही ले लेते हैं। पहला ग्रुप कौन सा है, दैट इज अल्कली मेटल्स, सबसे ऊपर हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, नहीं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर आप गौर कीजिए तो जैसे जैसे आप नीचे उतर रहे होते हैं, हर स्टेप में एक एक शेल ऐड होता चला जाता है। अगर आप सबसे पहला एलिमेंट देखें टेबल में तो दैट्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल है पहला, उससे नीचे है लिथियम, लिथियम का आउटर मोस्ट शेल है सेकंड, लिथियम के नीचे है सोडियम, उसका आउटर मोस्ट शेल है थर्ड, और सोडियम के नीचे है पोटेशियम और उसका आउटर मोस्ट शेल है फोर्थ। दैट मीन्स एक एक स्टेप पे उसमें शेल ऐड होते चले जाएंगे। जब एक शेल के ऊपर एक और शेल चढ़ता चला जाएगा तो नतीजा क्या होगा, जो साइज ऑफ एटम है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। हाउएवर अलोंग द पीरियड, लेकिन जब आप पीरियड के अलोंग आते हैं, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वहां पे क्या होता है, जरा समझने की बात है। मान लीजिए हम थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड हम सोडियम से शुरू करते हैं, आपके पास टेबल खुला होना चाहिए पेज 3 का। तो बेटा सोडियम से आप ले लें, सोडियम के आगे क्या है, मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम से आगे गैप है लंबा सारा, और फिर आगे आके आ जाता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 से 12, 13, 14, 15, 16, 17 और आखिर में 18। बेटा ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन है, सिलिकॉन के न्यूक्लियस में 14, फास्फोरस के 15, सल्फर के 16, क्लोरीन के 17 और आगे आर्गन आ जाती है तो उसके न्यूक्लियस में 18-18 प्रोटॉन होते हैं। बेटा पीरियड कौन सा है? थर्ड। याद रखिए जितना पीरियड होता है आउटर मोस्ट शेल उतना ही होता है, आउटर मोस्ट शेल तो इसका मतलब है थर्ड ही रहेगा। पीरियड इधर से इधर को थर्ड पे आप जा रहे हैं तो हो क्या रहा है? आउटर मोस्ट शेल उसका तीसरा ही रहना, आउटर मोस्ट शेल तीसरे पीरियड का तीसरा ही होता है, दूसरे पीरियड का दूसरा होता है, चौथे पीरियड का आउटर मोस्ट शेल चौथा होता है। ये याद रखने की बात। अब शेल वही है, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। नतीजा क्या होगा बेटा? जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते चले जाएंगे क्योंकि प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी तो हम कहेंगे कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होते चले जाएंगे। जरा वर्डिंग पढ़िएगा, कहता है हाउएवर अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटम का साइज या रेडियस कम होता है। Cause of this decrease is the number of protons in the nucleus and electrons in the shells increase from left to right, which cause more attraction. Zyada protons aur zyada electrons mein zyada attraction ho jayegi aur uske natije mein atomic radius kam ho jayega. The decrease in radii is more pronounced, bada wazeh hai इन लॉन्गर पीरियड्स। वो लॉन्गर पीरियड्स कौन से? हमने कल डिस्कस किया था जिसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, डेंथेनाइड्स आ जाते हैं, सातवें पीरियड में एक्टिनाइड्स भी आ जाते हैं। तो लाजमी बात है जब एलिमेंट्स ज्यादा होते चले जाएंगे तो नतीजतन फिर इधर से इधर को स्टेप वाइज जाते जाते एटम का साइज जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज होना शुरू। तो इसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लेंथेनाइड्स के अंदर। जी बेटा पहले हमने बात की एटॉमिक रेडियस की, अब हम बात करने जा रहे हैं आयोनिक। याद रखिए जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो वो आयन बनाता है। अब समझने की बात ये है कि अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो अपना कैटाइन बनाएगा, और अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो अपना एनायन बनाएगा। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर के तीसरे या चौथे आर्टिकल में आयंस मौजूद। ये जरा एक डायग्राम है, ग्राफ है, इसको जरा मद्देनजर रखिए। ये देखिए जरा, यहाँ पे ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है। मैं जरा एनोटेट कर लो इसे। जी मेरा बेटा ये एटम्स है सोडियम, तो लिथियम से सोडियम बढ़ा, सोडियम से पोटेशियम बढ़ा, पोटेशियम से रुबिडियम बढ़ा और रुबिडियम से सीजियम बढ़ा। यानी जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट यानी एटॉमिक नंबर उनका बढ़ रहा है तो y एक्सिस के अलोंग आप देख रहे हैं उनका जो रेडियस है वो भी बढ़ रहा है। ये एटम्स का है और ये आयंस का है, आपको नजर आ रहा होगा इसमें बेटा जी। ये लिथियम आयन है, ये सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, रुबिडियम और सीजियम। एक सवाल यहाँ पे नमूदार हो जाता है फौरन कि एटम का
साइज बड़ा है लिथियम के और उसके आयन का साइज छोटा है। हर एक के पोटेशियम ही ले लें, एटम का साइज बड़ा है, आयन का साइज छोटा है। कैट आइंस हमेशा अपने पेरेंट एटम से साइज में छोटे होते हैं, ये बात याद रखें। अभी इसकी वजह भी आ जाएगी हमारे डिस्कशन में। थोड़ा सा आपको हिंट देता चलो कि अगर आप सोडियम ही ले लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 11 प्रोटॉन होते हैं, बाहर 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब सोडियम का आयन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बेटा जी, जब एक इलेक्ट्रॉन ही निकल गया, नतीजा क्या होगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11 ही हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन 10 रहेंगे। अब वो जो 11 प्रोटॉन है ना, वो 10 इलेक्ट्रॉनों को अपने करीब कर देंगे। नतीजा क्या होगा कि एटम का साइज कम हो जाएगा, यानी जब एटम से आयन बनता है, कैट आयन बनता है, तो वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से साइज में छोटा होता है। अब नीचे जरा एन आयन को भी देख लो बेटा, दिस इज क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम, आयोडीन एटम। आप देख रहे हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी इंक्रीज कर रहा है। ये एटम छोटे हैं, इनके जो आयंस हैं, जरा तवज्जो कीजिए, ये फ्लोराइड, ये क्लोराइड, ये ब्रोमाइड, ये आयोडाइड, ये बड़े हैं। क्यों ऐसा क्यों है? फ्लोरीन ही ले लें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। फ्लोरीन के एटम में न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन होंगे, बाहर 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन याद रखिए, जब फ्लोराइड आयन बन जाएगा, ये वाला, इसके क्या हो जाएगा, ये फ्लोराइड आयन, ये किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है बेटा, कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन 9 ही है, बाहर इलेक्ट्रॉन अब 10 हो जाएंगे। बेटा जी, जब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि न्यूक्लियस उतना मजबूती से उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। नतीजा मजीद क्या बरामद होगा कि एटम का साइज पहले की निस्बत फैल जाएगा। हमेशा एन आयन अपने पेरेंट एटम से साइज में बड़े। जी बेटा, तो बात को आगे लेके चलते हैं। एवरेज डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ ए मोनो एटॉमिक आयन, एक एटम वाले आयन के न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज डिस्टेंस को उसका आयोनिक रेडियस कहलाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक। अब आयोनिक रेडियस ऑफ कैट आइंस, हमने पहले कैट आइंस को डिस्कस कर लिया, ये सामने आपके कहता है आयोनिक रेडियस ऑफ कैट आइंस इज ऑलवेज लेस देन देयर पेरेंट एटम। यही बात हमने डिस्कस की, क्यों छोटा होता, दोबारा उसको डिस्कस कर लेते हैं। कहता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स कम रह जाते हैं, जिसके नतीजे में स्ट्रॉन्गर पुल आ जाता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। दैट्स व्हाई कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। यही वजह है कि कैटायन अपने पेरेंट एटम से साइज में छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम का एटॉमिक रेडियस 157.2, जबकि सोडियम के आयन का आयोनिक रेडियस 95। देख रहे हैं आप, छोटा हो गया, पहले 157 था, ठीक है जी, ये देखिए, दिस इज लार्जर, और ये वाला जो है दिस इज स्मॉलर, तो साइज जो है इसका छोटा हो गया। जी बेटा, आगे हम बात करते हैं आयोनिक रेडियस ऑफ एन आयन। Ionic radii of anions is always larger than their parent atom. बिल्कुल ऊपर वाले का उल्ट, parent atom से बड़ा। As अब क्या हुआ, number of electrons वहां क्या थे, decrease हो गए थे, यहां increase हो गए।
देन द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए और न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम हो तो वो जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस वाले बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अपना ग्रिफ्ट कमजोर कर बैठेंगे। नतीजा क्या होगा कि एटम का साइज थोड़ा सा फैल जाएगा। तो लिखा हुआ है विच काज अ वीकर पुल ऑन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उनका जो पुल है वो वीकर हो जाए। बेटा आगे क्या कहता है, दैट्स व्हाई जो एन आयंस है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से साइज में क्या है बेटा जो है वो लार्जर होते हैं। तो जैसे फ्लोरीन का अगर आप गौर कीजिए तो दिस इज 72 पाइकोमीटर, ये देखिए एटम का, और आयन का कितना बेटा 136 पाइकोमीटर, दैट मींस कि वो इंक्रीज हो गया है। अगली स्लाइड में मूव करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में आयोनिक रेडियस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वही चेंजेस आएंगी जो एटॉमिक रेडियस में आते हैं। आयोनिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी ऊपर से नीचे को इंक्रीज करता है, अभी आपने पिछले ग्राफ में भी देख लिया। ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ऐड होते चले जाते हैं, व्हाइल आयोनिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड वो भी डिक्रीज करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर पुल है वो बढ़ता चला जाता है, चाहे वो कैटाइन हो चाहे वो एनाइन हो। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस से क्या मुराद है, इससे मुराद ये होती है ऐसे आइंस जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आइंस को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जी बेटा जरा तवज्जो कीजिए, अब मैंने एक टेबल बनाया है इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये आमतौर पे एक्सप्लेन नहीं है, ना बुक में है ना ही जो है वो लोग इसको करते हैं, बुक में इन्होंने वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन किया। मैंने थर्ड पीरियड के एटम्स ले लिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इसमें ये सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके क्या बन रहे हैं कैटाइन्स, क्या बन रहे हैं इनके कैटाइन्स। और इनके आप अगर लें पर फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, आप देख रहे हैं इनके क्या बन रहे हैं एनाइन्स। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मोनो पॉजिटिव कैटाइन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लूज करके ये मैग्नीशियम का डाई पॉजिटिव आयन। और एल्यूमिनियम ले लें अगर आप, एल्यूमिनियम में क्या है बेटा ट्राई पॉजिटिव आयन है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एटॉमिक नंबर था 11, पीछे रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 था, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसके भी पीछे 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 था, उसने तीन इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो उसके भी पीछे 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। ये जो तीनों आयंस हैं, ये वाले आयंस, ये कौन से आयंस हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, अभी मैंने तस्करा किया आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। देखिए बड़ी सादी सी बात है, इलेक्ट्रॉन सबके पास 10, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन, इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन और इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन। 13 प्रोटॉन ज्यादा खींचेंगे तो इस वजह से जब हम इधर से इधर को जाएंगे तो जो चेंज क्या होगा, जो आयोनिक रेडियस है वो डिक्रीज कर दे। चलिए अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं बेटा, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ये एन आयन। जरा तवज्जो कीजिए, एटॉमिक नंबर 15, 16, 17, इसका 3 नेगेटिव आयन है, इसका 2 नेगेटिव आयन है, इसका यूनि नेगेटिव आयन, दैट मींस इसे
तीन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, 15 में तीन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो ये 18 होंगे। इसके 16 इलेक्ट्रॉन थे, दो एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, इसके भी 18 होंगे। इसके 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो इसके भी 18 हो गए। अगर गौर कीजिए तो ये क्या है, ये भी बेटा जी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। फर्क क्या था, वो कैटाइन से ये एन आयन, ठीक है। अब आप जरा गौर कीजिए, इसके न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन है, इसके 16 हैं, इसके 17 हैं, ये ज्यादा प्रोटॉन वाला है, तो लाजिम बात है ज्यादा प्रोटॉन वाला होगा तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो नतीजा क्या होगा, जो साइज ऑफ एटम है वो डिक्रीज होगा, आयन का साइज भी डिक्रीज होगा। यही वजह है, चाहे कैटाइन हो चाहे एन आयन हो, अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये कैटाइन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये एन आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो याद रखिए उनमें हमेशा लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। अगला हमारा सेक्शन है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, फिफ्थ चैप्टर में आपने ये चीज ऑलरेडी माशाल्लाह पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन गैसियस स्टेट एंड इन ग्राउंड स्टेट। गैसियस स्टेट मीन इंडिविजुअल एटम, एक एक एटम। ग्राउंड स्टेट मीन के वो नॉर्मल स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। अब उनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जरा गौर कीजिएगा, क्या था, सोडियम एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल है। ये देखिए सोडियम इन गैसियस स्टेट, ये सोडियम का आयन बन गया इन गैसियस स्टेट, इलेक्ट्रॉन निकल गया। आई मीन आयोनाइजेशन एनर्जी, पॉजिटिव मीन कि आप एनर्जी दे रहे हैं, ये बात याद रख लें। फर्स्ट ईयर में भी इसका तस्करा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि पॉजिटिव कब होनी है, नेगेटिव कब होनी है। इसकी बेटे मैंने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल रखी है, आपके बाबा आपको पैसे देते हैं, आपके पास पहले 500 रुपया था, 200 रुपया पापा ने और दे दिया, तो वो 500 में 200 ऐड होगा। कोई शय मिले तो एडिशन, और कोई शय निकले तो वो नेगेटिव साइन। एनर्जी आ रही है पॉजिटिव, एनर्जी निकल रही है नेगेटिव, ये बात जी मशीन कर लें, ये अब आपको भूलना नहीं चाहिए। ये देखिए, ये सोडियम में से इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते, भाई न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉनों को अपनी गिरफ्त में रखा होगा। अब न्यूक्लियस ने जब गिरफ्त में रखा हुआ है, उसको अट्रैक्ट किया हुआ है, आप उसे रिमूव करना चाह रहे हैं। व्हेन एवर यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू पुट इन एनर्जी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब एनर्जी देंगे तो वो पॉजिटिव। एलिमेंट्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, जैसे मैग्नीशियम आप ले, उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन, तो आपको पहले एक रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप उसके अंदर से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। जब एक रिमूव करेंगे तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ये देखिए, तो मैग्नीशियम के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आई वन लिख दिया मैंने, आई वन मीन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और आप जरा गौर फरमाइए इसकी वैल्यू है 738, ज्यादा होगी सोडियम से मैग्नीशियम की ज्यादा है। अब आप इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, सिमिलरली एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आयन। अब इस यूनिपॉजिटिव आयन में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, दैट इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और याद रखें सेकेंड आयोनाइजेशन हमेशा लार्जर होती है फर्स्ट वन, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आपने किसी बंदे की जेब में से
100 रुपया निकाला है, ठीक है, उसको ऐसे नहीं वो देगा, जरा थोड़ा सा मतलब है कि दीदोलाद से काम लेगा, मुश्किल थोड़ी सी होगी। आपने 100 रुपया लेके उसकी चीजी चुजी खा ली, फिर आपका और मन किया, आप देखते हैं इसकी जेब में 700 रुपया, आप 100 रुपया और निकालना चाहते, तो वो आसानी से नहीं निकालने देगा, वो जनाब उसको रेजिस्ट करेगा। वो क्या होगा, अब हमें पहले से ज्यादा तगोदो करनी पड़ेगी उसके अंदर से पैसे निकालने। तो सेम इज द केस विद द एटम, कि अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है वो निस्बतन आसानी से निकल आता है, आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उतनी आसानी से नहीं निकलता, उसके लिए हमें पहले की निस्बत ज्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी। गौर कीजिए बेटा, ये देखिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, यूनि पॉजिटिव आयन है मैग्नीशियम का, ये आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, डाई पॉजिटिव आयन हो गया, और I2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आप देख रहे हैं पहले 738 थी, नाउ इट इज 1451 किलो जूल, बहुत ज्यादा हो गया। ये आगे एक और रिलेशन है, इनके अंदर ऑर्डर क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकेंड हमेशा ज्यादा होती है, और सेकेंड से अगर थर्ड हो तो वो इवन फर्दर उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा। जी बेटा, अब पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या वेरिएशन आती है, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज हो। सबसे पहले हम ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप मीन वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम जैसे आप ऊपर ले लें लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम रूपानी ले लें, तो बेटा होता क्या है, हर स्टेप पे एक एक शेल ऐड होता चला जाता है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या क्या है बेटा, वो फैक्टर्स में पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस में चार्ज किस वजह से होता है, न्यूक्लियस में चार्ज होता है बेटे प्रोटोनों की वजह से। अगर प्रोटोन थोड़ी है इलेक्ट्रॉन बाहर से निकालना आसान होगा क्योंकि उनकी कशिश कम होगी, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। दूसरा एटॉमिक साइज, अब देखिए एटम अगर छोटा है तो न्यूक्लियस का पुल आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगा, और अगर एटम बड़ा है तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान। तीसरा फैक्टर, दिस इज इंटरेस्टिंग, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये मैं आपको सादा तरीन जुबान में इसकी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये एग्जांपल हमारी डेली लाइफ से है, और इस एग्जांपल के बाद आपको शील्डिंग इफेक्ट इंशाल्लाह कभी भूलेगा। व्हाट शील्डिंग इफेक्ट इज, मान लीजिए कि आपके घर में एक शादी की तकरीब हो रही है और ये ढोलक रखी, ये एक लड़की बैठी हुई है ये ढोलकी बजा रही है, और ये एक सामने लड़की बैठी हुई है ढोलक के ऊपर चम्मच बजा रही है। मेहंदी की तकरीब में जब ढोलक बजाई जाती है तो वो इतना आसान सा नहीं होता जितना मैंने बना दिया। इनके इर्द गिर्द यहाँ पे लड़कियों का हिसार होता है, ये जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये पहला ग्रुप है गर्ल्स का जो इनके इर्द गिर्द बैठी हुई है, उनका काम होता है गाने गाना टप्पे गाना, ठीक है जी, शरारतें करना, ये पहला ग्रुप है जो इन लड़कियों के इर्द गिर्द बैठा है। मान लीजिए घर वाले बड़े ही खुश अखलाक हैं, ठीक है, तो उनके घर में मेहंदी की तकरीब में काफी लोग आए हैं, ये जरा थोड़ी सी जो बड़ी खवातीन नमा लड़कियां होती हैं इनका ये दूसरा जो है वो ग्रुप होता है, इनको जरा कम गाने आते होते हैं, ठीक है, ये जरा थोड़ा सा पीछे होती हैं, तो ये इस तरह से एक दूसरा सर्कल फीमेल्स का वो इस तरह से बना हुआ है। अब इससे भी बाहर एक और सर्कल होता है, वो जरा उससे भी बड़ी खवातीन होती हैं जिनके साथ एक एक दो दो बच्चे भी उनके साथ न्याने वो भी मौजूद होते हैं,
ये शील्डिंग इफेक्ट समझाने के लिए ये बड़ी जबरदस्त मिसाल। यू विल नेवर फॉरगेट व्हाट शील्डिंग इफेक्ट इज। ये इस तरह ये बड़ी खवातीन है, हर किसी के साथ एक एक दो दो बच्चे भी तीन तीन बैठे हुए। ठीक है जी, अब जरा और इंटरेस्टिंग बात को बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये जो अंदर बैठी ढोलक बजा रही हैं लड़कियां, इनकी एक सहेली जरा लेट हो गई आने में, वो यहां से ऐसे गुजर रही है और वो देख रही है कि ये दोनों जो हैं, ये उसको इनवाइट करें कि तू आ जा भाई, अट्रैक्ट कर ले। लेकिन क्या है हुआ, ये है कि इन दोनों को ये पहले सर्कल, ये दूसरे सर्कल और ये तीसरे जो सर्कल की खवातीन है, इन्होंने ऐसा घेर लिया है कि इन बेचारियों की नजर ही नहीं जा रही उस चौथी लड़की की, जो बाहर एक लड़की उनकी क्लास फेलो आई है, बड़ी तैयार श्यार होके ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके बड़ा खर्चा करके आई, बड़े कपड़े भी उसने अच्छे पहने हुए। लेकिन क्या है बेटा, ये जो दो लड़कियां हैं सेंटर वाली, ये उसकी अप्रोच से बाहर है। क्यों? क्योंकि ये पहला हलका, दूसरा हलका और ये जो तीसरा हलका है, सर्कल कह लें, शैल कह लें लड़कियों का, उन्होंने इस बाहर वाली लड़की को इन अंदर वाली दोनों जो ढोलक वाली लड़कियां हैं उनसे शील्ड कर दिया है, छुपा दिया है। दिस इज शील्ड। अब मान लीजिए कि ये जो है ये सेंटर मेन न्यूक्लियस है, और मान लीजिए ये क्या है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर इलेक्ट्रॉन है चौथे शेल में, ये चौथा शेल, अगर पहले दूसरे और तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉनों ने ऐसा घेर लिया है न्यूक्लियस को कि वो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये जरा पढ़िए, कहता है डिक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल ड्यू टू इंटरवीनिंग शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो दरमियान वाले शेल्स हैं उन्होंने न्यूक्लियस को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में मुदाखलत कर दी है, इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जरा तवज्जो कीजिए, अगर ये शील्डिंग इफेक्ट बड़ा मुवस्सर हो, इन्होंने बड़ा जबरदस्त घेर लिया है सेंट्रल न्यूक्लियस को, तो क्या ख्याल है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से खिसकाना आसान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप इसको बड़ी आसानी से यहां से रिमूव कर लें। ठीक है, यानी अगर शील्डिंग इफेक्ट, अगर शील्डिंग इफेक्ट कमजोर है, ठीक है, तो फिर तो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर शील्डिंग इफेक्ट बड़ा स्ट्रांग है, अच्छी तरह से उन्होंने घेरा हुआ है इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे, तो बेटा फिर उसकी जो रिमूवल है वो आसान। इसको क्लियर कर रहा हूं, फिर बात को हम आगे लेके चलते हैं। कहते डाउन द ग्रुप देयर इज एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन, उससे नीचे सोडियम, उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन, पोटेशियम उसके न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन। प्रोटॉन्स बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हर स्टेप पे एक एक शेल ऐड होता है,
addition of electronic shell, because of which shielding effect increase. ये जो मैंने अभी आपको circles बना के example दी है, बेटा होगा क्या कि shielding effect बढ़ता चला जाएगा. Shells ज्यादा होते चले जाएंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कमजोर होती चली जाएगी. That's why the value of ionization energy top से bottom में कम. कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज इजीियर देन लिथियम. सोडियम की निस्बत लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान होता है. ठीक है जी. और इसी तरह पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सोडियम से आसान होता है. ये देखिए ये आयोनाइजेशन एनर्जीज दी है, ये ऊपर से नीचे को ये डिक्रीज हो रही है. लिथियम से सोडियम की कम है, सोडियम से पोटेशियम की कम है, सीजियम और फ्रांसियम की और भी कम. ठीक है. ये अलोंग द पीरियड आ रहा है, ये अभी हमने डिस्कस करना है. वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड. पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो फिर क्या होता है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. मैं यहाँ ये लिथियम से लेके नियॉन यानी दूसरे पीरियड के एलिमेंट देख रहा हूँ. आप देखिए लिथियम से बेरिलियम का ज्यादा, बेरिलियम से बोरॉन का ज्यादा है, बोरॉन से कार्बन का ज्यादा है, कार्बन से नाइट्रोजन का ज्यादा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का थोड़ा सा कम है, फ्लोरीन का फिर ज्यादा है और फिर नियॉन का. यहाँ बोरॉन का भी बेरिलियम से थोड़ा सा कम है. ये अनयूजुअल क्यों है ये भी यहाँ पे अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. कहता व्हाइल मूविंग अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड जा रहे होते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके नतीजे में स्ट्रॉन्गर पुल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसके नतीजे में साइज कम हो जाता है. द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहता है. वजह अगर आप लिथियम से नियॉन की बात कर रहे हैं, जैसे आपके ग्राफ पे नीचे दिया हुआ है, आपकी बुक से लिया मैंने ये ग्राफ, तो इनका आउटर मोस्ट शेल है सेकंड, तो अंदर शेल एक ही है, दैट इज वन एंड ओनली. यानी लिथियम से लेके नियॉन तक आप जा रहे हैं तो देर इज नो चेंज इन शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि हर एक के अंदर एक ही शेल. वही कह रहा है shielding or screening effect remains same from the left to right क्योंकि valence shell भी वही रहता है. Hence value of ionization energy increase करती है from the left to right. The values of ionization energy of group 2A, 2A कौन है? Beryllium. 5A, nitrogen. And 8A, neon are exceptionally high. इनकी बहुत ज्यादा है. आप अगर बेरिलियम के ग्रुप का दूसरा मेंबर ले लें मैग्नीशियम, उसका भी वही रूटीन है. नाइट्रोजन के ग्रुप का दूसरा मेंबर ले लें फास्फोरस, उसका भी वही हाल है. नियॉन के ग्रुप का अगला मेंबर ले लें आर्गन, उसका भी यही हाल है. इनकी वैल्यूज इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल है जिन्हें आप आउटर मोस्ट शेल कह रहे दे आर हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड. ये फर्स्ट ईयर के फिफ्थ चैप्टर के आखिरी टॉपिक में ये बात बड़ी जबरदस्त तरीके से डिस्क्राइब की हुई है कि शेल्स अगर हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो दे आर मोर स्टेबल. तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हालाजी का घर नहीं होता, उधर आपको एनर्जी ज्यादा लगाना. कहता वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड नाइट्रोजन आर सो हाई. देखिए बेरिलियम की भी ज्यादा है, नाइट्रोजन की भी ज्यादा है, कि उससे जो सबसीक्वेंट एलिमेंट्स हैं यानी बोरॉन और ऑक्सीजन उनकी वैल्यू कम रह जाती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज इतना ही, इंशाल्लाह कल हम बात को आगे बढ़ाएंगे. फैजान साहब कोई क्वेश्चन? नो सर. मजाक की बात नहीं है बेटे, यू कैन पुट क्वेश्चन all the time किसी भी लंबे. Yes sir, I'm. ठीक है, आपको समझ ना आए तो दरमियान में रोक के पूछ लिया करें, ये ना किया करें कि बात जमा करते जाएं और बाद में एंड पे वो बात पूछ जाए. ठीक है आज. ओके सर, चलें आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई. तो आप अगर आपके कोई दो साहब आप हैं तो दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, उन्हें कहें कि yes, मैं उनको कहा था तो दे विल ज्वाइन मेरे ख्याल कल से शायद. जी जी गुलरेस को भी कहते हैं बायो के लिए और अभी. मैं गुलरेस साहब से कहता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ, वो फिर आपके लिए मैनेज करते हैं इंशाल्लाह. ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़.
ठीक है।